तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक छोटा सा वॉक अराउंड लेंगे क्लासिक के बारे में। वैसे तो सभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हैलोजन लैम्प मिल जाता है और पायलट लाइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं इसके ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये पायलट लाइट्स जो हैं ये दो आपको देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये आपकी तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे हैलोजन लैंप मिल जाता है देखने में। और टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको हैलोजन में। हैलोजन लैंप के साथ आपको सेटअप मिलता है हमारे क्लासिक के हेड लैंप का। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट साइड में मिल जाता है। डिस्क ब्रेक कंट्रोलिंग आपको रियर फ्रंट दोनों में मिल जाती है। यहाँ पर कुछ तरीके का ABS कंट्रोलिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम का रिफ्लेक्टर मिल जाता है नीचे साइड में आपको देखने में। अलॉय व्हील इस मॉडल में आपको मिल जाते हैं, कंपनी की तरफ से ही लगे हुए अलॉय व्हील आपको आते हैं। और कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको यहां देखने को मिलता है। दो ऊपर मिरर हैंडल बार पर देखने को मिलते हैं। इसमें लेग गार्ड जो है, लेग गार्ड नहीं आता है, लेग गार्ड आफ्टर मार्केट ही लगवाया जाता है। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक की, तो 350 cc का यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक बहुत ही रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल, सिंगल एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है और सेपरेट टू सीट्स आपको मिल जाती हैं इसकी सेटिंग की। और बात करता हूँ इसकी कुछ बैक प्रोफाइल की, तो आपको पीछे मिल जाता है एक टेल लैम्प मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर नीचे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करूँ अदर साइड की तो यहाँ पर आपको मिलता है देखने को साड़ी गार्ड मिल जाता है, साड़ी गार्ड नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये हैंडल बार दिया हुआ है क्योंकि गाड़ी बहुत भारी होती है, तो इस हैंडल बार के सपोर्ट से आप सेंटर स्टैंड लगा सकते हैं इजीली। गाड़ी के अंदर 5-speed गियर मिल जाते हैं। लगभग 13.5 liter का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिलता है, 5-speed गियर मिल जाते हैं और काफ़ी स्मूथ इसकी राइड आपको देखने को मिलती है। और काफ़ी अच्छा जो स्मार्ट लुक, शानदार लुक रॉयल एनफील्ड का डुक डुक आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी फेमस बाइक आपको यहां देखने को मिलती है। किक स्टार्ट ऑप्शन भी मिल जाता है यहां पर आपको, अदरवाइज सेल्फ स्टार्ट बाइक है ये। और यहां पर अगर बात करता हूँ कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर ग्रिप मिल जाती है, राइड ग्रिप। ये राइड ग्रिप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब आप जब आप लंबी चलते हो, गाड़ी पर चलते हो, कहीं हीट होती है गाड़ी, या मान लीजिए कभी धूप में चलते हो, तो ये टैंक आपको जो है गर्म नहीं लगेगा, ये ग्रिप आपको कूल रखेगी। यहाँ पर हैंडल बार में कुछ कंट्रोलिंग्स दी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं आप स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के बाद यहाँ बात कर सकते हैं हम कि फ्यूल का यहाँ पर इंडिकेशन आपको मिल जाता है। फ्यूल अगर ख़त्म होने वाला है तो ये डिप करता है और बताता है। इंजन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम बाइक में आने वाली है तो यहाँ पर वो डिप करता है, और डिप करने का मतलब है आपको सिग्नल देता है कि जल्दी से आप इसको लेकर एक सर्विस स्टेशन पर पहुँच जाएँ। ABS का सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो ये आपको कुछ इंडिकेशंस यहाँ दिए गए हैं। चाबी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको चाबी देखने को मिलती है, गाड़ी की इस तरीके की चाबी है। और इसको जब आप ऑन करते हो तो ऑन करने पर यहाँ पर आपके स्पीडोमीटर की लाइट ऑन हो जाती है, न्यूट्रल शो कर रही है। यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, ये आपको मिल जाता है सिग्नल फॉर लाइक हमें ओवरटेक करना है, हम डिपर दे सकते हैं एक तरीके से। टर्न इंडिकेटर के सिग्नल यहां से मिल जाते हैं आपको, राइट लेफ्ट दोनों। हॉर्न का बटन नीचे दिया हुआ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहां से स्टॉप कर सकते हैं आप, स्टार्ट तो नहीं कर सकते बट हां इसको नीचे कर ही आप बाइक स्टार्ट करेंगे। तो ये साथ में हमारा इंजन को स्टार्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट ये बाइक आपको यहाँ देखने को मिलती है। दो ग्लास इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की ये शानदार लुक्स के साथ आपको बाइक मिलती है। सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, और गाड़ी को जो लुक बनाया जाता है लुक्स के अंदर बहुत अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि अगर बाइक के अंदर कुछ एक दो चीज़ें और इसके अंदर चेंज की जाती तो क्लासिक का शायद कोई जवाब ही नहीं होता। जैसे कि दे देते इसमें, यहाँ पर अगर कंपनी चाहती तो यहाँ पर जो लैम्प हेड लैम्प है उसको LED बेस्ड किया जा सकता था, सो दैट जो विज़न है वो क्लियर हो जाता नाइट मोड का बहुत अच्छे से। तो ये कुछ चीज़ें मैंने शेयर की आपके साथ। क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350 5-speed गियर है ये,
5-speed गियर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पावर गाड़ी की बहुत बढ़िया पावर मिल जाती है और कुछ ये इम्प्रेसिव लुक आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाइक मेरे सामने जो है इसका मैंने एक छोटा सा वॉक अराउंड किया, बहुत ज़रूरी चीज़ों का कि गाड़ी कितने सीसी की है। एवरेज मान के चलें कंपनी क्लेम करती है 35 to 40 की, और बट ये अराउंड 25 to 35 के बीच में कहीं भी ये आपके चलाने के ऊपर है ये एवरेज आपको दे देती है। कीमत की बात करें तो अभी का लगभग 2 लाख से ऊपर का इसका कीमत है। एग्जैक्ट जो इसका प्राइस रेट है वो मुझे नहीं पता है प्राइस क्या है इसका एग्जैक्ट, बट अभी की बात करता हूँ तो ये बाइक आपको 2 लाख रुपए से ऊपर की मिलने वाली है। तो गाइस कुछ इसके डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, जो अलग अलग कलर्स आजकल आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। आप शोरूम पर जाएँ, विजिट करें, देखें बाइक के कुछ अलग कलर्स, और बहुत शानदार ये बाइक आप इसका राइड लें ज़रूर और एन्जॉय करें। वीडियो में मैंने आपको छोटा सा एक वॉक अराउंड लेके बताया, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं, और मेरे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाएं। मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।